दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एजुतंत्र। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं निशन लाइव। कोरोना का कहर पूरे देश पे बढ़ता जा रहा है और पूरे भारत में अब तक 821,870 मामले सामने आ चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि मात्र 283,000 मामले जो हैं वो एक्टिव हैं, बाकी लोग स्वस्थ हो चुके हैं। करीब 516,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इस बीमारी से 22,144 लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीण स्तर पे ये बीमारी अब पैर पसारने शुरू कर चुकी है। हम लगातार अपनी रिपोर्ट्स में आपको दिखाते रहे कि जो भी लोग पलायन करके अपने गाँव की ओर वापस गए हैं वो अपने गाँव के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना के संक्रमण के फैलने की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ेगी और अब ऐसा ही हो रहा है। बिहार में अब तक कुल 14,330 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 3,968 केसेस अभी एक्टिव हैं। ये खबर बिहार की ही है। बिहार के जिला गोपालगंज के प्रखंड बैकुंठपुर के दिगवा दुगोली मार्केट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर एक दिन के भीतर 83 कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए। पीएचसी अस्पताल, जो दिगवा दुगोली मार्केट के केंद्र में ही है, वहाँ के डॉक्टर्स और एएनएम मिला के कुल 18 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए और प्रशासन ने तुरंत ही एहतियातन रूप से हॉस्पिटल्स को सील कर दिया गया, मार्केट को सील कर दिया गया, सभी दुकानें बंद कर दी गई। वीडियो अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि ये सारी चीज़ें एहतियातन रूप से की जा रही है ताकि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। ये रिपोर्ट हमारे लिए चंद्रभूषण दास, जो कि गोपालगंज से हमारे रिपोर्टर है, उन्होंने की है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। वो सामने आप देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल है, पीएचसी हॉस्पिटल। यहाँ पर यहाँ के भी कुछ एएनएम और डॉक्टर के रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसमें कि कुल अभी तक की जो संख्या मिला है वो अभी तक 13, जिसमें डॉक्टर और एएनएम शामिल है, जिसमें टोटल अभी तक 85 हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर कोई भी एक भी मरीज तक भी नहीं है, जस्ट आपको केवल एम्बुलेंस बस दिखाई दे रहा होगा। इसे भी सील किया गया है। और यहाँ भी देखा जाए, जो भी यहाँ पे दुकान है, बस एक मेडिकल शॉप को छोड़ करके बाकी यहाँ पे जो भी दुकानें हैं सब दुकानें यहाँ पे बंद किया गया है। होटल तक यहाँ बंद है, बस एक मेडिकल शॉप ही बस खुला हुआ है। यहाँ पर यहाँ भी एक बस मेडिकल शॉप को अलाउ किया गया है खोलने के लिए। यहाँ भी देखिए किस तरीके से इसको पूरा सील कर दिया गया है कि कोई भी एक छोटा वाहन भी अंदर ना जा सके। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता है, ये आपको प्रखंड कार्यालय का रास्ता है। यहाँ पे ये सामने आरटीपीएस काउंटर है और उधर आपको वीडियो ऑफिस, सीओ ऑफिस, इधर सीओ निवास, वीडियो निवास, और यहाँ भी एक बैरिगेट लगा करके इसे भी सील किया गया है। यहाँ बैरियर इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो भी अफसर की गाड़ी है वो आ जा सके, अन्य आदमी को यहाँ पे आने का अनुमति नहीं दिया गया है। यहाँ भी कोई भी अभी कार्य नहीं हो रहा, सभी अभी दफ्तर कार्यालय बंद पड़े हुए हैं। ये बैकुंठपुर, जहाँ पर अभी तक 85 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिनका जो टेस्ट हुआ है, टेस्ट के मुताबिक इन 85 आदमी को कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आया हुआ है, जिसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं ये सामने ये ब्लॉक रोड है मुख्यालय, जहाँ पे देखा जाए कि सभी दुकान को भी बंद रखा गया है और यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया गया है जिससे कि कोई भी गाड़ी अंदर ना जाए ना सके। सभी दुकान भी यहाँ पे बंद है, जितने भी दुकानें हैं इधर सब, केवल एक मेडिकल शॉप को बस खुला गया है, मेडिकल शॉप बस खुला गया है, बस हो गया। बाकी जितनी भी दुकानें हैं सभी दुकान बंद किया गया है। देखा जाए यह जो रोड है, यह रोड आपको मेन मार्केट दिगवा दुगोली, जो मेन मार्केट जहाँ पे सब्जी से लेकर के जहाँ पे हर एक चीज़ का बाज़ार लगता है, उसे भी इसको सील कर दिया गया है ताकि जो रोड है, रोड से कोई भी उसके अंदर ना जा पाए। जहाँ तक दुकान का बात देखा जाए तो दुकान यहाँ पे सब बंद है, खुलने में क्या, बस एक मेडिकल स्टोर एक खुला हुआ है, बस हो गया और कुछ नहीं। इसे भी सील कर दिया गया है। देखा जाए यहाँ भी, ये भी एक रोड है जो कि सर्विस रोड है, यहाँ भी एकदम लाइन से दुकानें हैं, जिसे सब दुकानों को भी यहाँ बंद रखा गया है। और जो ये रास्ता जो मार्केट में जाता है उसे भी यहाँ पे एक चौकी के द्वारा इसको भी सील कर दिया गया है, जिससे कि आदमी यहाँ से कोई उधर ना, यहाँ भी बस आपको एक दवा दुकान ही खुला मिलेगा, बाकी यहाँ पे जो भी दुकानें हैं सब दुकान बंद है। देखा जाए इसे भी बंद कर दिया गया है, जो कि ये भी बिगवा दिवाली जो बाज़ार लगता है, मार्केट है, उसके अंदर जाने का रोड है, इसे भी बंद कर दिया गया है। हालाँकि ये रोड का स्थिति बहुत ख़राब है,
रोड का जरा स्थिति भी देख लीजिए कि बारिश में किस तरह से पानी लग जाता होगा। यहाँ जितने भी दुकान हैं सब दुकान को बंद कर दिया गया है। एक बगल में जो दुकान है सब्जी की दुकान है, जिसे बस सब्जी अलाउ हुआ खोलने के लिए तो खुला हुआ है। इसे भी सील कर दिया गया। यह भी एक रोड है जो कि दिघवा दिघोली मार्केट के अंदर जाता है, जो कि बाज़ार के अंदर जाता है। इसे भी बांस के द्वारा सील कर दिया गया जिससे कि अंदर कोई जा ना पाए। दुकानें भी आप देख सकते हैं सभी दुकानें बंद है। एक बस मेडिकल की दुकान बस शॉप खुली हुई है, बाकी सभी दुकान बंद है। यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं, यहाँ तक कि एक किराना दुकान तक नहीं खुला हुआ है। ग्रामीण लेवल पे दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पहली चीज़ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और दूसरी चीज़ जागरूकता। हम सरकार से, राज्य सरकार से, पंचायत के लोगों से ये अपील करते हैं कि वो बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान अपने अपने क्षेत्रों में चलाएं, ताकि कोरोना के संक्रमण से लेकर जुड़ी हुई जानकारियां लोगों तक पहुंचे। आपको बता दें कि मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, फिर भी कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। आप इस चीज़ को समझ लें कि कोरोना अभी इस देश में समाप्त नहीं हुआ है। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। आप देखते रहें नेशन लाइव। धन्यवाद।